नमस्कार दोस्तों, अमेजिंग एंटरटेनमेंट पर एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि संतू लाल की द जीरो वाले चैनल पर बात हो रही है और लगभग 3-4 दिन से बात हो रही है। और साथियों, आज मुकेश पटेल जी से भी बात हुई और उनकी बौखलाहट से एक बात तो पक्का हो गई है कि चोर कितना भी शातिर हो जाए सच्चाई से भाग नहीं पाता है। और साथियों, इस ऑडियो में बात हुई है कि आप द जीरो वाले सर पर केस कर दो। तो साथियों, इस बात से संतू लाल बोलता है, मैं क्यों करूं? अरे भाई, द जीरो वाले सर ने आप पर इल्जाम लगाया है कि तू बिक गया है, तो तू ही साबित करना। और साथियों, इस वीडियो को अगर बहस के लिए किया जाए तो ये वीडियो बड़ा बन जाएगा, इसलिए इस वीडियो को लाइक और शेयर इतना कीजिएगा ताकि यह वीडियो सभी न्यूज तक पहुंच पाए। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं यह वीडियो। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि PSEL और अन्य चीट फंड कंपनियों की जानकारी सबसे पहले पाएं। हेलो, कौन? मुकेश पटेल ना? हाँ, बोलिए बोलिए। बोलिए, फॉलो कर रहे हैं? हाँ, फॉलो कर रहा हूँ। कब से फॉलो कर रहे हैं? बोला मैं 1.5 साल से। 1.5 साल से? आप कितने साल काम किए पल्स में? पल्स में मैंने 8 बरस काम किया। 8 साल? बोलिए। हमारे सीनियर आर आर रावत है, आरी परमार है, एंटी पटेल है। अच्छा, पटेल आपके सीनियर है? हाँ। और परमार सर भी है क्या? हाँ, परमार सर भी उसके ऊपर आते हैं। अच्छा, जन लोग के बारे में जानकारी नहीं है उन लोगों से मिलके? नहीं, वो लोग तो हमारी मीटिंग में आते ही नहीं है ना। आरी परमार जो है वो बार बार मीटिंग का हमको लिख के भी दिया है, तो भी वो आज तक मीटिंग में नहीं आ रहा है। उसको छोड़ो ना, आप गए क्या जल लोक के मीटिंग में? नहीं, जल लोक में किसी को मानता नहीं है जिम्मेवार के सिवा। क्यों नहीं मानते हो? सब गलत है, हमको तो जो लाइव में बात करता है वो सच्ची है, बाकी सब झूठ है। जीरो बायर कब से आया मार्केट में? मार्केट में कभी भी आया है जीरो बायर, लेकिन उसका काम सही हमको लग रहा है और वो पूरे एविडेंस के साथ में मार्केट में काम कर रहा है। आप पढ़े लिखे हो ना? मैं पढ़े लिखे हूँ, मैं केमिस्ट हूँ, मैं मेडिकल स्टोर चला रहा हूँ। अच्छा, बोलिए। अब मुझे ये बताओ, वो बंदे को मैंने बताया था? हाँ, तो मंगेश अहमद को तुम जानते हो? इतना मैं भी जानता हूँ। सुनो, दो मिनट सुनो पहले मेरे बात को। हाँ हाँ, अभी आपने कॉल किया तो कॉल डिस्कनेक्ट नहीं करिएगा और रिकॉर्डिंग मोड में डालिएगा मेरा कॉल। रिकॉर्डिंग में? हाँ, रिकॉर्डिंग करो और जीरो बायर को भी भेजना मेरा कॉल ही। हाँ बराबर, रिकॉर्डिंग कर देता हूँ। चलो वादा नहीं। हाँ, रिकॉर्डिंग करो। हाँ, और पहले मेरी बात भी करवाना उससे। हाँ, मैं बात करवाऊंगा जरूर। हाँ, क्योंकि मैंने तुमको रिप्लाई इसीलिए किया है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो वादा नहीं, ठीक है ना? अभी सुनो मेरी बात। हाँ, मामला 22 अगस्त 2014 की है ना? हाँ। आप लास्ट तक काम किया कि बीच में छोड़ दिया? मैंने लास्ट तक काम किया और 22 अगस्त और 21 अगस्त का मेरा बिजनेस 1 लाख रुपए का है। कितने का? 1 लाख रुपए का था मेरा बिजनेस, मेरा खुद का। अच्छा, तो आपने जमा क्यों किया कंपनी जब बंद हो गई? तो कंपनी 21 तारीख और 22 तारीख को बंद नहीं हुई थी। 22 तारीख के बाद 23 तारीख को हमको पता चला कि कंपनी बंद हुई है। हाँ, सीनियर लोगों ने हैंड नहीं किया कि नहीं? वही तो, वही सीनियरों ने गलती की है, तभी तो हम सीनियर के विरुद्ध में लीगल नोटिस भेज रहे हैं ना। हाँ, तो आपको हमारे बारे में क्या जानकारी है? तुम्हारे बारे में जानकारी इतना चाहिए कि जीरो बायर ने ऐसा बोला है कि संतू लाल अपने साथी शोल्डर में थे, लेकिन उनके पास एविडेंस मिल गया था मंगेश सरमल के थ्रू प्रॉपर्टी का। मैं बोल रहा हूँ ना, मंगेश सरवर ने मुझे राइटिंग में दिया था। हाँ? 2015 के पहले आंदोलन जंतर मंतर में आप? हाँ? क्या उस आंदोलन में? ना, मैं नहीं आया था। क्यों नहीं आया था? नहीं, मैं आंदोलन में नहीं मानता हूँ। आंदोलन करने से और हेलो आंदोलन करने से नरेंद्र मोदी को गेंदे से पैसा कभी आने वाला नहीं, इसका मेरे को मालूम पड़ता है। लाल किला में नरेंद्र मोदी, मैंने 3 लाख कंपनी बंद करवाया, तूने सुना नहीं? वो तो हमने सुना है, वो तो सब वो तो हेलो बंद किया है, वो तो सब बात सही है, लेकिन उसकी लीगल प्रोसेस अपने कस्टमर के हिसाब से। हाँ, जब वो बंद कर सकता है तो इंटरफेयर क्यों नहीं कर सकता? इंटरफेयर भी कर सकता है, लेकिन अपने पास एविडेंस नहीं आते तब तक अपने कुछ नहीं बोल सकते। क्यों नहीं कर सकता? क्या उसके दायरे में नहीं आता? वो उसके दायरे में आता है, लेकिन वो क्यों
आखिर आपको पता है ऑस्ट्रेलिया के फंड को रोकने में इतना डिले करने में किसका हाथ है पता है देखो? वो भले मेरे को पता नहीं है, मेरी बात सुनो। क्यों जो जो नरेंद्र मोदी हेलो फॉलो कर रहे हैं, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। हाँ आप भले गलत नहीं बोल रहे, मेरी बात सुनो। बोले ना मेरी बात सुनो, मैं हेलो दोनों में से एक जन बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। सुनिए ना। हाँ अरे तेरे सीनियर तेरे सामने खड़ा होकर तेरे साथ धोखा कर सकता है तो पर्दे के पीछे रह के तेरे को ऑडियो सुना रहा है। हाँ तो ऑडियो सुना रहा है, गलत क्या सुना रहा है लेकिन? हाँ तो तू उसके ऊपर इतना ब्लाइंड फॉलो कर रहा है, मैं बोल रहा हूँ मत फॉलो। ब्लाइंड क्या बोल रहा है, उसने मुझको लीगल नोटिस दिया है और मैंने लीगल नोटिस भेजा है। सुन लीजिए पहले मेरी बात। हाँ मेरी बात आप रिकॉर्ड करो। हाँ बोलो। और सुना रहा उसको उस बंदे को? हाँ और उस आदमी में इतनी हिम्मत है ना तो सामने आया और सामने आके हम सामने आने की कोई जरूरत नहीं है। हेलो सामने आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, अपने को तो अपने को जो इन्वेस्टमेंट किया है गलत रास्ते में पैसा गया है। वो 21 और 22 अगस्त का पैसा वो लोग अभी तक बता नहीं रहे, कंपनी बता नहीं रही है, मैनेजमेंट बता नहीं है, जल लोकपाल नहीं बता रहा है, तो ये लोग वो बाल का मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे? बता सकते हैं क्या 21 और 22 अगस्त में कितना रिन्यूअल आया है? ये कौन बता सकते हैं? वो हम बताएंगे ना, हमारे पास रिन्यूअल पहुंच है। ओके बताओगे रिन्यूअल पहुंचे ना हमारे पास? हेलो मेरे पास रिन्यूअल पहुंचे। हेलो मिस्टर सुन लो पहले मेरी बात। हाँ अगर आप सुनने के लिए तैयार हो तो सुनो। हाँ बोलो समझ रहे हो? हाँ बोलिए। तराजू का दो पलड़ा होता है, दोनों को देखना पड़ता है। हाँ दोनों बाजू देखते हैं हम। आज मैं पट्टी बांध के तुमने और मैंने 14 साल काम किया पल्स में, पता है किस तरह से? आप बताए हमको। फिर सर्वर की जो बात है ना, बंदे से मेरी बात हुई, मैंने जीरो बायर को वो मुझे नहीं लगाया, मैंने उनको रिप्लाई किया था। हाँ तो वो आपको लिखित में लेने का क्या वादा है? अरे सुनना पहले मेरी बात, पढ़े लिखे हो ना? हाँ हाँ बोलो। उसने मुझे बोला तो मैंने उनको मंगेश सरवर को हमने तो जंतर मंतर में मारने के लिए उनको पकड़े थे। तू क्या समझता है? हाँ तो मारने के लिए, हेलो उसे मारने से पैसा आ जाता तो हम भी आर्मी पर के घर जाके उसको मार दिया होता। की बात सुन पहले, आगे की बात सुन। वो बोला ना संतु भारती बिक गया करके। हाँ और साले गांडू को प्रूफ करना पड़ेगा कैसे बिक गया और कितने पैसे लिया और कौन से अकाउंट में मैंने जमा किया। हाँ तो आप उसके सामने केस कर दो पड़ेगा। हेलो आप तो उसके सामने केस करना चाहिए, गलत नाम आएगा तो मैं क्यों केस करूँ? आपका नाम गलत आएगा। मैं क्यों केस करूँ? आप सही हो तो आपका नाम गलत आया तो आप केस कर सकते हो। वो भी मैं करता हूँ ना, तुम वो भी मैं करूँगा। लेकिन पहले सोचने वाली बात ये है कि जिस तरीके से मैंने उनको बोला मंगेश सरवर ने मुझे राइटिंग में दिया है कि 3,20,000 एकड़ जो डिटेल है कंपनी ने सीबीआई को दिया है। हाँ 1,85,000 डाटा का रिसीविंग कंपनी को दिया है, उन्होंने खुद बोला और मुझे राइटिंग में दिया। हाँ तो राइटिंग आपको उसका एफिडेविट बना के दे दो। पहले मेरी बात सुन ले। हाँ 1,85,000 डॉक्यूमेंट का रिसीविंग उन्होंने दिया। हाँ ये मुझे राइटिंग में दिया कब? जब मंगेश सरवर पराक्रम सोसाइटी लेके मेरे नागपुर में आया। ओके समझ रहे हो? हाँ समझ रहा हूँ। सुन पहले मेरी बात, उसके बाद तेरे को जो बोलना होगा बोलना उधर। ओके ठीक है। पराक्रम सोसाइटी लेके आया तब हमारा मैनेजमेंट में एमडी थे मिस्टर राणे सर। ओके ओके। और इन्होंने शेषराव भोयर को पकड़ा इसके लिए। ओके काफी सारी जमीन का काला पीला इंक्वायरी करने के लिए शेषराव भोयर को दिया था इसने। हाँ समझ रहे हो? हाँ उस संकेत से हमने इसको पकड़ा कहाँ पे? जंतर मंतर में। हाँ कि तूने अपने सोसाइटी के नाम पे पीएसीएल की जमीन को ट्रांसफर कराया है। हाँ तो उन्होंने मुझे ढंग के चोट में चैलेंज किया कि तू प्रूफ कर दे मेरे को। बराबर किसने किया? मंगेश सरवर ने। हाँ तो मैंने बोला ठीक है मैं तो प्रूफ करूंगा, लेकिन तू बता कंपनी के पास कितनी जमीन है? जमीन को कंपनी ने मतलब सीबीआई को दिया है। हाँ। कितना क्या हुआ तो उन्होंने मुझे राइटिंग में दिया था। हाँ। तो जो राइटिंग में दिया हुआ जो पन्ने को मैं जब वर्धा में था तभी वो उन्होंने राइटिंग में दिया था। बराबर समझ रहे हो? हाँ। अब वो कॉपी को मैंने इतना ढूंढा है अगर मिला रहता तो मेरे से ज्यादा खुशी तेरे को नहीं हुआ रहता, समझ गया? ओके ओके। मेरे टीम के लगभग 90 करोड़ की लाइबिलिटी है, तू क्या समझता है? हाँ 90 करोड़ की लाइबिलिटी है लेकिन वो आपके गुम हो गई है तो फिर से लिखवा लो। मैं
वो लिखवाऊंगा, लिख के देगा वो अलग मैटर है। हाँ। अभी जिस तरीके से उन्होंने एलिगेशन लगाया है ये उसका गलत है, जीरो बायर का। हाँ तो मैं आपको लाइन में बात करवाऊंगा उनका। तुमका सुन पहले। हाँ। तू जितने ईमानदार समझता ना जीरो बायर को, मैं भी समझता था अभी तक। हाँ। जिस तरीके से उस आदमी ने ब्लेम लगाया ना कि संतू भाई बिक गया, उसका बहुत बड़ा घटिया आरोप है, वो घटिया इंसान। हाँ तो मगर उसका खुलासा करो ना लाइन में। हाँ तो मैं तो बोल रहा हूँ ना, मैं लाइन में बोलता ना, तू मेरी बात करवाना। हाँ तो मैं बात कर रहा हूँ, अभी आज ही बात कराऊंगा। चलो वो खंडू को मेरा रिकॉर्डिंग भी भेजना। हाँ हाँ मैं भेजूंगा अभी। ओके ओके ओके। और क्या? ओके ओके। अभी सुनो ना, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। हाँ बोलिए। तो जो 21 और 22 अगस्त की जो जोड़ी। हेलो। हाँ 21 और 22 अगस्त में तुमने कितना रिनोल जमा किया? मेरा 1 लाख का है। 1 लाख का? हाँ। बैक डेट में तेरा लिया होगा रिनवल? हाँ। बैक डेट में कौन सा? 21-22 अगस्त में बैक डेट में ही चल रहा था ना रिनवल? हाँ रिनवल एडवांस भर दिया था। तो तेरे वो जो जो सीनियर का तूने नाम बताया, एनटी पटेल, परमार, इन लोगों ने नहीं बोला? नहीं बोला था, किसी ने नहीं बोला। वो लोगों ने धोखाधड़ी किया है, उन लोगों ने ऐसा बोला, भरो कोई चिंता नहीं है, पैसा बनने में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा बोला था हमको। नहीं बोला कंपनी वाइंड अप होगी तो? ना ना ऐसा नहीं बोला था। नहीं होता, मैं लास्ट डेट में क्यों भरता पैसा? अब सुन ले मेरी बात। हाँ। जैसे ही कंपनी वाइंड अप हुआ, हमने 2014 से 15 के बीच में, हाँ, जब मामला स्टेट कोर्ट में गया था, तो यहाँ हमने अपने सारे लोगों को बोला था, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कोई भी अभी जमा मत करो, रिन्यूअल भी जमा मत करो। बराबर। ये कमिटमेंट हमने अपने लोगों को हमने यहाँ पे दिया था। हाँ आपने जनलोक वाले को बोला होगा ना? अरे तब तो जनलोक फाउंड भी नहीं हुई थी पागल। हाँ जनलोक तो जनलोक कब बना पता है? अरे पब्लिक को तो, हमको तो मालूम नहीं है। आपने बोला था तो जाहिर में लाइन में बोलना चाहिए, यूट्यूब के ऊपर आके पता करना चाहिए ना। हमको कैसे पता चलेगा? ये यूट्यूब पे हमको मालूम पड़ा है, जीरो वाला ऐसा कर रहा है, तो हमको मालूम है, बस देख रहा है। आज जन लोग के ऑफिस में आके मुलाकात कर मैडम। अरे सब लोग बिके हुए हैं। हेलो मेरे को अब हम पता चलता है कि सब लोग बिके हुए हैं, जीरो वाला के जैसा कोई काम नहीं कर रहा है अभी तक। मेरा नाम भी गलत होगा। हेलो कितना लेट क्यों कर दिया पैसे देने में? अरे वो तो काम कर रहा है, लीगल प्रोसेस तो कर। मेरा मकान गांव में है ना, उसको छुड़ाने में मेरा 10 साल हो गया अभी तक। 50 साल लगाएगा क्या तेरा जीरो बायर? अरे 50 साल नहीं, तुम देखो उनकी काम काज आगे देखो क्या क्या होगा। अरे तो वो तो यही काम पिछले कई दिनों से बोल रहे हो। हाँ तो करेगा ना, लीगल नोटिस का काम अपने इंडिया में। टीपी चन्नी को जानते ना? अरे चन्नी को भी जानता, सबको जानता हूँ मैं, लेकिन लीगल सर्वर डीके सिंह सुन पहले। इतने सीनियर जो टॉप जो पे जो बैठते हैं वो अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुआ? अरे गिरफ्तार होंगे, उसका वो अपने सब पता चल रहा है, अपने इंडिया में सब भ्रष्टाचार चल रहा है भैया। अरे महेंद्र जी मुझे बताओ, मंगेश सरवर कभी तरह गिरफ्तारी क्यों नहीं करवाया जीरो बायर? मंगेश सरवर का तो आपको भी इसका गिरफ्तारी हो गया होने वाला है, तुम देखो। क्यों नहीं हुआ अभी तक? अरे होगा, तुम देखो गिरफ्तारी को। तुमको हम दिखाएंगे, तुमको दिखाएंगे हम। तू मुझे मत दिखा, अपने पब्लिक को दिखा और अपने ग्राहक पब्लिक को दिखाएंगे। देखो तुम देखो जितने लोग इसमें षडयंत्र में है ना, सब पसंद आएंगे। वो कौन बिका हुआ है? हाँ वो तो मालूम पड़ेगा ना। हेलो हम तो नहीं तपास करना है, महिला तपास करेगी, सीधे तपास करेगी। आज मेरी बात लाइव चैनल में मेरी बात करवाओ जीरो बायर के। ओके ओके मैं बात कराऊ। चलो पिता इतना हो गया, और रिकॉर्डिंग किया क्या मेरी बात को? हाँ रिकॉर्डिंग कर दिया मैंने। भेजना होगा इसको? ओके भेजूंगा। ठीक ना, उसको भेजना और उसको मेरे से बात करने के लिए बोलना बोला। ओके ओके। चलो मैं रखता हूँ, थोड़ा गरागी में हूँ। कहाँ हो? मेडिकल स्टोर में, थोड़ा गरागी जैसा है। अच्छा ठीक है। ओके तो साथियों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिख रहे आइकॉन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा लें, ताकि PACL और अन्य चिट फंड कंपनी से जुड़ी जानकारी आप लोगों को मिलती रहे।